इस समय निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। आप शांत चित्त से विचार कीजिए और जब आप अपना मन बनाएं, तो हम सभी ने राजपुताने के हित के विषय में क्या सोचा है उसका अवश्य ध्यान रखिएगा। धन्यवाद जयमल जी। धन्यवाद। अजबते हम अपनी मातृभूमि को संकट भरी स्थिति में अकेले नहीं छोड़ सकते और अपने शत्रु को पीठ हम कभी दिखाएंगे नहीं। संसार हंसेगा हम पर, कलंकित हो जाएगी हमारी वांछित परंपरा। समझ नहीं आ रहा है हो क्या गया हमारे सभी सामंतों को। कुंवर प्रताप, हमें लगता है कि उन सबके मन में आपके लिए अगाध स्नेह और प्रेम है और इसीलिए संभवतः वे चाहते हैं कि आप यहाँ से चले जाए। हमें भी सामंतों की पत्नियां यही कह रही थी कि हम भी छोटी माँ और अमर सिंह जी के पास वापस चली जाए। आपकी राय क्या है? हमारा मानना यह है कुंवर प्रताप कि आप जो भी निर्णय लेंगे वह सर्वथा उपयुक्त और तर्क संगत होगा और ऐसा करने के लिए आप सक्षम है, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेंगे वह देश और राजपुताना के हित में होगा और आप जो भी निर्णय लें हम आपका सदा साथ देंगे, चाहे इसके लिए हमें सभी स्त्रियों के साथ जौहरी क्यों ना करना पड़े। आप हमारे स्थान पर होती तो आप क्या निर्णय लेती? राजपुताना से आपको अलग कर देखा नहीं जा सकता, पर यही तो उचित समय है जहां भूमि के ऋण से पूर्ण हो सके। और कुंवर प्रताप, आपके होते यदि शत्रु दुर्ग में प्रवेश कर गए तो आप अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। और रही बात राजपुताने की, तो उसके लिए हमारे राणा जी हैं ना। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम आपके स्थान पर होते तो हम अपनी अंतिम सांस तक लड़ने का निर्णय लेते। हमें गर्व हो रहा है कि आप हमारी पत्नी हैं। गर्व हो रहा है हमें। चले शीघ्र ही जाके सबको बताते हैं अपने इस अंतिम निर्णय के बारे में। आपने हमसे एक प्रश्न पूछा था कि वो दूसरा नाम कौन सा है, इसको संभालेगा। ये राजपुताना है कि कण कण में एक प्रताप बसा है जो अपनी मातृभूमि के लिए जीता है और अपनी मातृ और इसी राजपुताने की पवित्र मिट्टी के लिए, पूर्वजों की गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखने के लिए हमने एक निर्णय लिया है कि हम कहीं नहीं जाएंगे। हम यहां रहकर चित्तौड़ की सुरक्षा करेंगे। कल का अंतिम संग्राम हम आप सबके साथ लड़ेंगे। कल उस मुगल के विरोध इस साका का नेतृत्व हम स्वयं करेंगे। कुंवर प्रताप, आप बस, ये हमारा अंतिम निर्णय है।
आज कितने सिपाही मरे हैं? हमारे सवा सिपाही शहीद हुए हैं आज। तीन हजार 782 जहां पना, 1000 राजपूतों ने हमारे 4000 सिपाहियों को हलाक कर दिया। क्या वजह हो सकती है? सूरजमल जी, हमारे सिपाही बहादुर हैं, हमारे लिए बड़ी बड़ी जंगें लड़ चुके हैं और कामयाबी भी मिल चुकी है, फिर भी क्या वजह हो सकती है? मुट्ठी भर राजपूतों के सामने हमारे सिपाही फीके पड़ जाते हैं, बार बार हार जाते हैं, क्या वजह हो सकती है? हम जानते हैं कि संख्या में हम उनसे बहुत कम है रावत, किंतु युद्ध सैनिकों की संख्या से नहीं जीते जाते, युद्ध जीते जाते हैं शौर्य से, जिसकी कमी हम में से किसी में भी नहीं। हम ये भी जानते तोपें बारूद हथियार हमारे पास भुजाओं का बल और एक सबसे बड़ी बात कि हमारे पास सत्य है। सत्यमेव जयते। हम लड़ेंगे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए और वो मुगल सिपाही लड़ेंगे अपने बादशाह के हुक्म बजाने जाने जाने। इसकी एक ही वजह जापना, हमारे सिपाही मादरे वतन के लिए नहीं लड़ रहे। हम कुछ समझे नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप? जापना, जिस तरह से ये राजपूत इस युद्ध को अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए वो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि कोई औलाद अपनी माता की इज्जत और आबरू बचाने के लिए मर मिटने पर आमदा हो जाती है, और दूसरी तरफ हमारे सिपाही फकत अपने बादशाह का हुक्म बजा लाने के लिए लड़ रहे हैं। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है जहां पना। और सिपाही नहीं गवा सकते, इसलिए हमें फैसला लेना होगा, मुकम्मल फैसला लेना होगा। ये फैसला हमारे हित में होगा। कल ही चित्तौड़ के किले पर मुगले परचम लहराएगा, कल ही ये जंग हम जीतेंगे, फतेह हमारी होगी। संभवतः आज की रात हमारी अंतिम रात हो, इसलिए हम अपने परिजनों से अंतिम विदाई लेंगे, अपने पूर्वजों को नमन करें, अपनी मातृभूमि को नमन करें, और उसके पश्चात हम सब भोजन करेंगे। हमारा उत्सव भोज, और कल प्रातःकाल सूर्य उदय होते ही हम उस मुगल को रणभूमि में मिलेंगे, और ऐसा घनघोर युद्ध लड़ेंगे हम उसके साथ साथ कि उसे पता चल जाए कि जब एक राजपूत अपनी मातृभूमि के लिए मरने और मारने के लिए तत्पर हो जाता है, तो वो कैसा पराये माचा। हम उन मुगलों को एक ऐसा सबक सिखाएंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हम राजपूतों को कभी नहीं भूलेंगी। हर हर महादेव। प्रताप ने अपनी बातों से हमारा इतना उत्साह वर्धन कर दिया है कि हमारे हृदय के ज्वालामुखी से रक्त का लावा फूट कर बाहर आ जाना चाहता है। प्रताप युद्ध के लिए इतनी तत्परता क्यों दिखा रहे, इतना हट क्यों? प्रताप राजपुताने के सूर्य हैं, ईश्वर ना करे
मुगलों ने यदि कुछ हो जाता है तो मेवाड़ की आशाओं का सूर्य सदा के लिए अस्त हो जाएगा। संदेश जयमल जी, आपका कहना एकदम उचित है कि बाबूजी राजप्रताप के एक एक शब्द ने आज इस समय हम सब के लिए अविश्वसनीय उत्साह वर्धन किया है, तो ये सत्य है हम सभी भली भांति कि बाबूजी राजप्रताप की इसी तत्परता के कितने इतने भारी और भीषण दुष्परिणाम हो सकते हैं। भी क्यों ना हो जाए, बाबूजी राजप्रताप को साका के समय यहां नहीं होना चाहिए। रावत जी, आप कुंवर प्रताप जी को भली भांति जानते हैं। एक बार जब वो मन बना लेते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते। हाँ, तो हमें कुछ ना कुछ तो अवश्य करना पड़ेगा। कुंवर प्रताप को साका करने से रोकने के लिए जयमल राठौड़ के हृदय की धड़कन है। हमारी प्रार्थना है कि आपकी ये मोहिनी छवि अंतिम श्वास तक हमारी आंखों में बसी रहे। हे क्षत्राणी, हे राजपूत वीरांगना, प्रार्थना कीजिएगा विश्वास कभी ना टूटे। ये क्या कर रहा है बेटा? कर लेने दीजिए मां, आज जी भर के आपकी सेवा कर लेने दीजिए। पता नहीं आज के बाद हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो या ना हो। तेरी मां का आंचल हर संकट तुझे बचाएगा।
पता नहीं ये विवाह तुम्हारे लिए सौभाग्य सिद्ध होगा या दुर्भाग्य, कौन जाने। हमें क्षमा कर दीजिए चिवा, हम आपको विवाह का कोई भी सुख नहीं दे पाए। लगता है हमसे हुआ ये विवाह आपके लिए अभिशाप बन गया है। समझ गई, एक स्त्री के लिए विवाह का भी अभिशाप कैसे हो सकता है? और कौन कहता है कि आपने मुझे सुख नहीं दिया? एक एक दिन जो मैंने आपके संग बिताया है, कहीं जन्मों का सुख भर गया है मुझमें। मुझे गर्व है कि मैं आपकी पत्नी हूं। और देखना, अगले जन्म में भी मैं आप ही की प्रतीक्षा करूंगी। 7 जन्मों तक छोड़ूंगी नहीं आपको। आप सबकी वीर गाथाओं को स्मरण कर कर आप सबके पास प्रेरणा लेने आए कि कल उस मुगल के साथ उस निर्णायक युद्ध में हम किसी भी क्षण निर्बल ना पड़े। आप सब हमें आशीर्वाद दें, ऊर्जा दें, शक्ति दें कि हम आप सबका मान बढ़ा सकें, उस मुगल को हरा सकें। और यदि न भी हरा पाए तो हम ऐसा घनघोर युद्ध लड़ें कि जीवन 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 भर वो हम राजपूतों को भुला ना पाए। अधिराज, आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन की बहुत कमी खल रही है। आज आपके सिखाए हुए पथ पर ही चल रहे हैं, जिससे कि कल के युद्ध के समाप्त होने के बाद आपको हम पर गर्व है। कल हम रहे या ना रहे, हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आपके सुदृढ़ कंधों पर राजपुताने का भविष्य उज्जवल बना रहेगा। बस मन में एक इच्छा थी, अमर सिंह को अपने ही तरह एक वीर योद्धा बनाने का। वीर योद्धा, यदि संभव तक कल हमें कुछ हो गया तो इसे पहचान जाए और अमर सिंह को इसे दे दीजिए, जैसे कि उनके पास एक स्मृति बनी रहे और ये उन्हें याद दिलाते रहेगा कि उनके पिता एक वीर योद्धा थे। जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.